अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो अगेन रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाएगी और डिटेल्स पे है, जो मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने बनाई थी LLC के ऊपर, कि LLC क्या होती है उसके बारे में बताया था, कि LLC क्या चीज़ है, किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ठीक है। तो आज की वीडियो भी इसी तो उसी बिजनेसेस के रिलेटेड है, कि बिजनेसेस का मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक और बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि उसको वो है क्या चीज़, उसको हम वैसे तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसका चीज़ क्या है, ठीक है ना। और अगेन, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आपको जो मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या स्किल्स की या ट्रेनिंग की, वो आप लोगों को तक पहुँचती रहें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आज की वीडियो में थोड़ा सा बता रहा हूँ लिमिटेड क्या है, LTD लिखा होता है अक्सर। आप जब जो तो फ्रीलांसर है उनको तो पता है, और जो नए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि जब हम लिस्ट में कर रहे थे तो आप बिजनेस के किसी भी बिजनेस के ना एंड पे अगर LTD लिखा हुआ होता तो वो क्या चीज़ है, अब उसको पढ़ा तो पढ़ा क्या जाता है, लिमिटेड पढ़ा जाता है सिर्फ, ठीक है ना। LTD मीन्स लिमिटेड। यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी लिमिटेड बहुत चीज़ों बहुत कंपनियों के साथ लिखा होता है LTD। लिमिटेड क्या है, ये एक एब्रीविएशन लिमिटेड की, इसको सिंपल लिमिटेड कहा जाता है, लेकिन ये इसको मेन चीज़ क्या है, इसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका पूरा मतलब जो है, हालांकि LTD लिखा हुआ है लेकिन इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है LTD कहा जाता है, ठीक है ना। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसको LTD लिखते हैं हम, बिजनेस का नेम होता है पहले, उसके बाद जो उसको हम लिमिटेड लिख देते होते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ आपको समझाइए इस डिटेल में, कि हमारी उस फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में ये भी आता है, हमारे बिजनेसेस में आता है, जब हम कहते हैं LLC की प्रिपरेशन करनी है, मीन बिजनेस की प्रिपरेशन करनी है, एक तो वर्डिंग थोड़ी सी ठीक कर लो यार आप लोग, क्योंकि कई लोग एक ही चीज़ करते हैं LLC की प्रिपरेशन। और भाई LLC की प्रिपरेशन नहीं है, बिजनेस की प्रिपरेशन होती है। एक तो इंडिविजुअल की प्रिपरेशन है, जो हम सिंपल कर रहे होते हैं, हमारे पास नेम होता है बंदे का, उसके बाद हमारे पास उसका मेलिंग एड्रेस होता है, और उसकी क्या चीज़ होती है, प्रॉपर्टी एड्रेस तो होता ही होता है ना, ये साइट एड्रेस जिसे कहते हैं या लोकेशन एड्रेस कहते हैं, वो तो है। उसके बाद बंदे का नाम होता है, उसके हमारे पास मेलिंग एड्रेस होता है, वो होता है इंडिविजुअल स्क्रिप्टेशन। अगर एक LLC स्क्रिप्टेशन होती है जिसमें LLC फिर मैंने भी कह दिया यार, देखो ना, बिजनेस स्क्रिप्टेशन कहते हैं, बिजनेस स्क्रिप्टेशन होती है, इसमें LLCs भी आती हैं, INC भी आती है, इसमें कॉरपोरेशन भी आती है, इसमें लिमिटेड भी आती है, इसमें ट्रस्ट भी आता है, इसमें सब कुछ आ जाता है बिजनेस में। तो इसको बिजनेस स्क्रिप्टेशन कहना है आप लोगों ने, ठीक है ना, या बिजनेस लिटिगेशन कहना है, इस तरह की जो भी चीज़ होगी, ये चीज़ें हैं कि उसको बिजनेस में काउंट करना, अपने बिजनेस कहना है, क्लाइंट से बात करते हुए बिजनेस कहना है, आप लोग इसको LLC नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये वर्डिंग थोड़ा सा ठीक रखें, क्लाइंट पे भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।